कर्नाटक में जारी सियासी संग्राम के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार शाम 4 बजे बहुमत परीक्षण का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस के बेंच का फैसला। बहुमत साबित करने की 7 दिनों की बीजेपी की मांग थी भी खारिज। कांग्रेस जेडीएस ने शनिवार को फ्लोर टेस्ट कराए जाने के फैसले पर सहमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने एंग्लो इंडियन सदस्य की तुरंत नियुक्ति पर भी लगाई रोक। विधानसभा में नहीं होगा गुप्त मतदान। सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, विधायकों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम हो। कल सुबह 11 बजे से कर्नाटक विधानसभा का विशेष सत्र। कर्नाटक के राज्यपाल ने बीजेपी के विधायक केजी बोपैया को चुना प्रोटेम स्पीकर। कांग्रेस ने उठाए सवाल। हैदराबाद में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का लगा जमावड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कुमारस्वामी भी पहुंचे 5 सितारा होटल। कर्नाटक कांग्रेस का आरोप, विधायक आनंद सिंह केंद्र सरकार के कब्जे में, 24 घंटे से संपर्क नहीं होने का दावा। कांग्रेस ने ऑडियो टेप जारी कर लगाया बीजेपी के जनार्दन रेड्डी पर विधायक को खरीदने का आरोप। शक्ति परीक्षण से पहले सभी दलों पर चढ़ा दावों का परवान। येदियुरप्पा बोले, बहुमत से ज्यादा विधायक मेरे साथ। कांग्रेस और जेडीएस का दावा, सिर्फ 24 घंटे की मेहमान है कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार। 117 विधायकों के साथ होने का दावा। सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता मिलने पर बिहार में आरजेडी ने भी ठोका दाव। पटना में विधायकों का राजभवन मार्च। तेजस्वी ने कहा, मौका मिला तो आसानी से साबित करेंगे बहुमत। जेडीयू के भी कई नाखुश विधायक हमारे साथ। गोवा में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, विधायकों ने कर्नाटक की तर्ज पर सरकार बनाने का किया दावा। राज्यपाल को सौंपा मेमोरेंडम। मणिपुर में कांग्रेस का दांव, इबोबी सिंह ने सबसे बड़ा दल होने की वजह से सरकार बनाने का पेश किया दावा। राज्यपाल से की मुलाकात। कर्नाटक में राज्यपाल की भूमिका को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, भोपाल में सड़क पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता। लखनऊ में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, येदियुरप्पा को न्योता दिए जाने के फैसले का विरोध। मुंबई के आजाद मैदान में जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ता। कर्नाटक में बीजेपी सरकार को बताया लोकतंत्र की हत्या। गुजरात में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कर्नाटक में बीजेपी सरकार का, असम में भी विरोध, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध में निकाली रैली। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में राहुल का रोड शो, बोले इस बार हेलीकॉप्टर उम्मीदवार को नहीं जमीनी कार्यकर्ता को मिलेगा टिकट। दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट मामले में सीएम केजरीवाल से पुलिस की पूछताछ, पूरी कार्यवाही वीडियो रिकॉर्डिंग में। दिल्ली के कई इलाकों में पानी का घोर संकट, केजरीवाल ने पीएम को चिट्ठी लिखकर कहा हरियाणा से पानी तलाओ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़बोलापन, कहा ठेकेदारों को गड़बड़ी की तो रोड रोलर के नीचे दबा दूंगा। लालू को सजा सुनाने वाले स्पेशल सीबीआई जज शिवपाल सिंह को प्रोन्नति, गोड्डा का जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बनाए गए। उगाही के आरोप के बाद नोएडा एसएसपी ने क्राइम ब्रांच को किया भंग, सभी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जमीन कब्जा करने की कोशिश में बवाल, पीड़ित महिला की खुदकुशी की कोशिश। उत्तर प्रदेश के झांसी में शराब के नशे में स्कूल पहुंचे शिक्षक का विजुअल वायरल, जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दबंगों ने युवक को पीट पीट कर हत्या की, शव के साथ परिवार वालों का हंगामा। नोएडा में फर्जी पुलिस वाला बन, वसूली करने वाला कैब चालक गिरफ्तार, पुलिस ने कैब भी किया जब्त। यूपी के मिर्जापुर में गेहूं क्रय केंद्र पर किसान परेशान, कमीशन की वसूली, फसल की कम कीमत देने का आरोप। यूपी के गाजियाबाद में लड़की को अगवा कर गैंगरेप, पीड़ित ने पुलिस पर केस दर्ज न करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में नाबालिग लड़की से रेप, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। यूपी के फतेहपुर में शादी का झांसा देकर 2 साल तक रेप, प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए प्रेमी ने रची लड़की को बचाने की साजिश, केस दर्ज। यूपी के रामपुर में टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप, परेशान छात्रा का स्कूल जाने से इनकार, केस दर्ज। यूपी के मैनपुरी में 30 रुपए के लेन देन में जानलेवा झड़प, एक युवक की हत्या। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश जख्मी।
मथुरा स्टेशन में ट्रैक की मरम्मत के दौरान प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा ट्रैक्टर, अफसरों की समझदारी से टला बड़ा हादसा। यूपी के इलाहाबाद में वाराणसी हाईवे पर बैरिकेड से टकराया बेकाबू ट्रक, हादसे के बाद धू धू कर जला ट्रक। यूपी के गाजियाबाद में शंटिंग के समय पटरी से उतरी मालगाड़ी, दीवार से सीधी भिड़ंत। यूपी के पीलीभीत में साइकिल सवार छात्रा को ट्रक ने कुचला, नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। यूपी के एटा में ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा, पुलिस ने मृतक की पत्नी प्रेमी को गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में गर्भवती होने पर नाबालिग लड़की से रेप का हुआ खुलासा, केस दर्ज पर आरोपी फरार। यूपी के लखीमपुर में एसपी ने दारोगा और सिपाहियों को पढ़ाया अनुशासन का पाठ, कहा लोगों से करें अच्छा व्यवहार। यूपी के इटावा में बहू का हाई वोल्टेज ड्रामा, पिटाई से परेशान होकर पानी टंकी पर चढ़ी। यूपी के सीतापुर में आदमखोर कुत्तों का आतंक जारी, एक बच्ची की फिर से हुई मौत। मध्य प्रदेश के देवास में नाबालिग छात्रा की अश्लील तस्वीर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल, डांस एकेडमी के दो महिला समेत चार गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खेत में पलटी बेकाबू कार, हादसे में चार की मौत, मृतकों में एक 5 महीने का बच्चा। मध्य प्रदेश के रायसेन में दलित परिवार ने मांगी इच्छा मृत्यु, दबंग सरपंच पर जमीन कब्जा करने का आरोप। महाराष्ट्र के अकोला में शिव सैनिकों ने मार्केटिंग फेडरेशन के ऑफिस में की तोड़फोड़, अरहर और चने की खरीद की रोक पर गुस्सा निकला। महाराष्ट्र के नासिक में 1 से 2 रुपए प्रति किलोमीटर किलो टमाटर के भाव से बेदम हुए किसान, गुस्से में खेतों में छोड़ाए पशु। रमजान में बढ़ती जा रही है पाकिस्तान की नापाक हरकत, जम्मू के आरसपुरा में सरहद पार से फायरिंग में बीएसएफ का जवान शहीद। झारखंड के गिरिडीह में शहीद जवान के परिवार में पसरा मातम, पत्नी और दो छोटे बच्चों को बुरा का बुरा हाल। आरसपुरा में भी पाक फायरिंग में 4 नागरिकों की मौत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 3 आतंकियों ने बैंक में मचाई लूट, इलाके में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। असम में पिछले 24 घंटे में 4 सड़क हादसे, 9 की मौत, 4 घायल। अलवर में रेस्टोरेंट पर 2 अज्ञात युवकों ने की पत्थरबाजी, वारदात सीसीटीवी में कैद, मंत्री हेम सिंह के बेटे पर लगा हमले का आरोप। राजस्थान के भरतपुर में सड़क पर भटकते गौवंशों को लेकर हंगामा, लोगों ने गौवंश को नगर निगम के दफ्तर में घुसाया। राजस्थान की बूंदी में हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर धू धू कर जला ट्रक। गर्मी के चढ़ते असर से राजस्थान में पानी के लिए कोहराम, अलवर के 32 कॉलोनी और मोहल्ले में पानी की सप्लाई पर असर। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पानी को लेकर बवाल, गांव वालों ने अफसरों को घेरा। बिहार के मोतिहारी में घर में सोई नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप, पुलिस को 2 बदमाशों की तलाश। बिहार के सुपौल में फिर पकड़ी गई शराब की खेप, 26 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के सासाराम में भगवान भरोसे कानून व्यवस्था, हिंदी दैनिक के पत्रकार को अपराधियों ने मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। बिहार के समस्तीपुर में कर्मभूमि एक्सप्रेस पर में सफर कर रहे यात्रियों का हंगामा, एक बोगी कम करने को लेकर नाराज हुए यात्री। बिहार के रक्सौल में दिल्ली काठमांडू हाईवे पर 16 घंटे तक रहा महाजाम, मुआवजे के लिए लोगों ने रास्ता रोका। पंजाब के लुधियाना में सरकारी फ्लैट पर अवैध कब्जा खाली कराने पर विरोध प्रदर्शन, दिल्ली लुधियाना हाईवे जाम। पंजाब के गुरदासपुर में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने शुगर मिल को किया सील, नदी में मछलियों के बड़ी तादाद में मरने के बाद कार्रवाई। पंजाब के संगरूर में आवारा कुत्तों ने 5 साल के बच्चे को बनाया शिकार, इलाज के दौरान मौत। पंजाब के अमृतसर में 33 लाख की लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 बदमाशों के साथ लूट का सामान जब्त। अमृतसर के आपसी रंजिश की वजह से जिम में युवकों के बीच मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली के जसोला विहार में ट्रक ने 2 बच्चों को कुचला, 1 की मौत, ओवरटेक करने की होड़ में डिवाइडर पर चढ़ा ट्रक। पूर्वी दिल्ली में कारोबारी को लूटने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 3 तरफ से घेर कर मारा। राजधानी दिल्ली में बीच सड़क पर बुजुर्ग महिला की पीट पीट कर हत्या, तमाशा देखते रहे लोग, जमीन को लेकर 2 भाइयों में थी भिड़ंत। डीडीयू कर्मचारियों ने निकाली केजरीवाल की शव यात्रा, फूका पुतला,
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को ठीक से लागू न करने का आरोप। दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आएंगी 2000 नई बसें, दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी। देवगढ़ डीएवी जूनियर स्कूल में अभिभावकों और शिक्षकों के बीच नोकझोंक, स्कूल के प्राचार्य के तबादले को लेकर हंगामा। झारखंड के धनबाद में अंधविश्वास का बोलबाला, महिला को डायन बताकर हुक्का पानी बंद, एसपी ने मांगी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में टीएमसी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप, कई घरों में तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में टीएमसी का दफ्तर खाक, आधी रात के वक्त आग लगाने की वारदात। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 5 सुपारी किलर गिरफ्तार। उत्तराखंड के चंपावत में मंदिर जा रहे भक्तों की गाड़ी की डंपर से हो गई सीधी टक्कर, 10 की मौत। उत्तराखंड के रुड़की में महिला ने 3 बच्चों संग नहर में लगाई छलांग, महिला को लोगों ने बचाया, अस्पताल ले जाते वक्त मासूमों ने तोड़ा था। उत्तराखंड के श्रीनगर में जंगलों में लगी भीषण आग, 7 किलोमीटर के इलाके में आग से कोहरा। हरिद्वार में बाइक लूटकर भाग रहे बदमाश के साथ एनकाउंटर, मुठभेड़ में एक शख्स और एसओ को लगी गोली। उत्तराखंड के रुड़की से 4 बदमाशों के साथ लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार, शादी के बाद घर से कीमती सामान और जेवरात लेकर हुई फरार। जालौन में पुलिस को बड़ी सफलता, आईपीएल में सट्टेबाजी के आरोप में 3 गिरफ्तार। बस्तर में नक्सलियों ने रोड बनाने में लगे वाहनों को किया आग के हवाले, ग्रामीण के भेष में आए थे नक्सली। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, नदी में कई लीटर बहाए दूध, समिति का दूध उत्पादन नहीं खरीदने का आरोप। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में मौसम की मार, 90 किलोमीटर की रफ्तार से आए तूफान ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। उत्तराखंड के टिहरी में मौसम का बदला मिजाज, तेज हवाओं के साथ भारी ओलावृष्टि। 24 घंटे बाद आंधी तूफान की दस्तक में आएगी कमी, कल से दिल्ली में बढ़ेगा तापमान। तबाही मचाने आ रहा है तूफान सागर, देशभर के 20 राज्यों में एक बार फिर आंधी तूफान का खतरा। मौसम विभाग का एडवाइजरी, आने वाले 3 दिनों में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में तूफान और मूसलाधार बारिश की संभावना। अदन की खाड़ी में और पश्चिम मध्य और दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में मछुआरों को अगले 48 घंटे तक समंदर में न जाने की सलाह। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।